दोस्तों मूवी की कहानी एक मैजिकल टीपॉट की जिसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं और ये टीपॉट एक कपल को मिल जाता है। तो इस टीपॉट से पैसे कमाने के लिए ये कपल क्या क्या हरकतें करता है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जॉन और एलिस सुबह सोकर उठते हैं और जॉन अपनी जॉब पर चला जाता है। जॉन का बॉस उसके काम से बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसे बहुत डांट लगाता है। यहाँ एलिस भी एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है और उसके पास बिल्कुल भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए उसे भी वो जॉब नहीं मिलती। तो यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों का करियर बहुत ही खराब चल रहा था। ये दोनों एक रेंट हाउस में रहते थे जिसका ओनर था एरी। एरी एलिस का स्कूल फ्रेंड था और उसे बहुत लाइक भी करता था। जॉन और एलिस की हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि इन दोनों के पास रूम रेंट देने तक के पैसे नहीं थे। फिर भी ये दोनों रात में एक हाई स्कूल पार्टी में जाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। दूसरे दिन ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं पर जा रहे होते तभी रास्ते में उनका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, पर लकीली उन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगती और बाद में पुलिस भी वहाँ पर पूछताछ करने के लिए आ जाती है। तभी एलिस की नज़र एक बूढ़ी औरत पर जाती है जिसके हाथ में एक टीपॉट था और वो टीपॉट को लेकर अपनी शॉप में चली जाती है। तो एलिस को ये टीपॉट बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है तो वो भी उस लेडी के शॉप में चली जाती है और वो टीपॉट वहाँ से चुरा कर वहाँ से भाग जाती है। दूसरे दिन एलिस फ़ोन पर इंटरव्यू दे रही होती है और अपनी हेयर स्ट्रेटनर का भी यूज़ कर रही होती है, तभी उसे ज़ोर से शॉक लगता है और टीपॉट में कुछ हलचल होती है। तो एलिस जाके चेक करती है तो टीपॉट के अंदर पैसे होते हैं। ये देखकर एलिस शॉक हो जाती है और वो समझ जाती है कि उसके शॉक लगने के बाद उस टीपॉट में पैसे आए। तो एलिस समझ जाती है कि जब भी उसे दर्द होता है तो टीपॉट पैसे देता है। तो एलिस खुद को बार बार पेन देकर खूब सारे पैसे बना लेती है। यहाँ जॉन का बॉस उसे नौकरी से निकल देता है ये कहकर कि तुम एक अच्छे सेल्समैन नहीं हो। तो जॉन नाराज होकर घर वापस चलाता है और जैसे ही वो घर में आता है तो देखता है घर में सारी चीज़ें बिखरी हुई थी और फ्लोर पर खून भी था। ये देखकर जॉन डर जाता है और अंदर बेडरूम में जाकर देखता है तो एलिस बेड पर जख्मी होकर पड़ी थी और उसे पूछता है कि एलिस तुम्हें क्या हुआ। तो एलिस कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जॉन उसे बताता है कि मेरी जॉब चली गई है। तो एलिस उसे टीपॉट दिखा करके थी कि तुम चिंता मत करो ये टीपॉट हमें बहुत सारे पैसे कमा के देगा और उसे उस मैजिकल टीपॉट के बारे में सब कुछ बता देती है कि कैसे उसने पैसे कमाए, पर जॉन को यह सब झूठ लगता है। तो एलिस उसे वो खाली टीपॉट दिखाती है और उसे जोर से किक मारती है और जैसे वो जॉन को किक मारती है तो उस टीपॉट में वापस पैसे आ जाते हैं। ये देखकर जॉन भी शॉक हो जाता है और एलिस से कहता है मुझे टीपॉट कुछ ठीक नहीं लग रहा। एलिस उसे बताती है ये हमें गॉड की तरफ से गिफ्ट मिला है और इसे हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे और हमारे सारे सपने पूरे करेंगे और अब हमें कभी जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे दिन जॉन वो टीपॉट वापस देने के लिए उस ओल्ड लेडी के शॉप में जाता है पर वो शॉप बंद होती है। तो जॉन इस टीपॉट की असली वैल्यू जानने के लिए एक टीवी शो में जाता है जो अपनी एंटिक सामानों को बेचने के लिए फेमस था और इस टीवी शो को एक चाइनीज आदमी भी देख रहा होता है। उसे देखकर हम समझ जाते हैं कि वो चाइनीज आदमी इस टीपॉट के बारे में बहुत कुछ जानता था और उस टीपॉट को ढूंढ रहा था। तो जॉन टीपॉट को लेकर वापस घर आता है। अब एलिस और जॉन ये फैसला करते हैं कि वो दोनों इस टीपॉट से $1 million कमाएंगे और इसके बाद में इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो दोनों इस टीपॉट से पैसे कमाना शुरू कर देते हैं और इसीलिए वो अपने आप को अलग अलग तरीके से पेन देना शुरू कर देते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा दर्द होता था उतना ही ज़्यादा ये टीपॉट पैसे देता था। यहाँ तक वो एक दूसरे को बेल्ट से मारते भी थे और इसी तरह से वो $2 lakh कमा लेते हैं। अब दूसरे दिन उनके घर पर दो ट्विन ब्रदर्स आते हैं और घर में घुसते ही जॉन को मारना शुरू कर देते हैं और उसे पूछते हैं कि टीपॉट कहाँ है। वो टीपॉट हमारी ग्रैंड मदर का है। तो एलिस वो टीपॉट छुपा देती है और वो ट्विन ब्रदर्स से झूठ कहती है कि हमने वो टीपॉट बेच दिया है। तो ट्विन ब्रदर्स कहते हैं कि हमें उस टीपॉट के बदले अब पैसे चाहिए। तो एलिस उन्हें पैसे देती है और वो ट्विन ब्रदर्स वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन एलिस और जॉन उस टीपॉट के बारे में जानने के लिए एक लाइब्रेरी में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें उस टीपॉट की किताब मिलती है। उस किताब से उन्हें पता चलता है कि ये टीपॉट 2000 साल पुराना है और इस टीपॉट से होने वाले खतरे के बारे में भी एक पेज पर लिखा होता है, पर जॉन को पता ना चले इसलिए एलिस उस पेज को फाड़ देती है। जॉन से कहती है कि किताब बहुत ही पुरानी है मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है तो चलो जाकर कुछ शॉपिंग करते हैं। अब वो दोनों बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ों का शॉपिंग करते हैं। इसके बाद वो एक आलीशान घर भी खरीद लेते हैं और इस आलीशान घर में वो अपने नेबर्स और फ्रेंड्स को बड़ी सी पार्टी देते हैं। अब सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते तभी उनके डोर पर एक चाइनीज आदमी आता है जिसका नाम ली था और वो जॉन और एलिस को इस टीपॉट के बारे में पूछता है और उन्हें इस टीपॉट से होने वाले खतरे के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर एलिस उसे डांट कर वहाँ से भगा देती है। अब पार्टी खत्म हो जाने के बाद वो दोनों रात को बात कर रहे होते हैं तभी उनका पुराना लैंड ओनर एरी वहाँ दारू पीकर आ जाता है और उनके घर में घुस जाता है और उन्हें बहुत परेशान करने लगता है। एरी एली के पास जो टीपॉट होता है उसे लेकर घर से बाहर भाग जाता है और उस टीपॉट को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलने की कोशिश करता है। ये देखकर एलिस बहुत ही परेशान हो जाती है और जाकर चेक करती है कि टीपॉट को कुछ हुआ तो नहीं, पर टीपॉट को एक थोड़ी सी खरोच भी नहीं आई थी। ये देखकर एलिस बहुत ही खुश हो जाती है। तो जॉन एलिस से कहता है कि इस टीपॉट के बारे में और जाने के लिए हमें डॉक्टर ली से मिलना ही पड़ेगा और वो दूसरे दिन डॉक्टर ली से मिलने जाते हैं। तो डॉक्टर ली उन्हें बताते हैं
ये टीपॉट 2000 साल पुराना है और इस टीपॉट ने इतिहास के बड़े बड़े लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। जो भी इस टीपॉट को चुराता है वो उसे अपने वश में कर लेता है और उसे बुरे काम करवाता है। तो अच्छा होगा तुम्हें टीपॉट मुझे वापस दे दूँ, क्योंकि ये अनब्रेकेबल है, तुम इसे तोड़ भी नहीं सकते। मैं इसे किसी ऐसे जगह पर छुपा दूंगा जहाँ इसे कोई ढूंढ ना पाए। तो एलिस जॉन से कहती है कि मुझे इस आदमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैं ये टीपॉट उसे नहीं दूंगी, और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब वो रात को सो रहे होते तभी वो ट्विन ब्रदर्स वापस उनके घर आ जाते हैं, उनके सारे पैसे चुरा कर भागने लगते हैं। तो एलिस और जॉन उन ट्विन ब्रदर्स को रोकने की कोशिश करते पर वो ट्विन ब्रदर्स उन्हें मार कर बेहोश कर देते हैं। दूसरे दिन सुबह जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि उनके सारे पैसे वो ट्विन ब्रदर्स चुरा के ले गए थे और अब एलिस और जॉन वापस कंगाल हो चुके थे। तो जॉन और एलिस वापस खुद को पेन देकर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, पर वो टीपॉट बहुत ही कम पैसे दे रहा था। तो जॉन समझ जाता है कि अब हमें और मार खानी पड़ेगी, और वो दूसरे दिन एक बार में जाता है और एक गुंडे के साथ जानबूझकर झगड़ा करता है, और गुंडा जॉन को बहुत ही पिटाई करता है। इसके बाद वो टीपॉट वापस उन्हें बहुत सारे पैसे देता है। दूसरे दिन डॉक्टर ली जॉन के पास आते हैं और वो जॉन की हालत देखकर उसे कहते हैं कि देखो ये टीपॉट किस तरह तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। यह एलिस को पता चलता है कि टीपॉट के मालिक के अलावा अगर किसी दूसरे आदमी को भी दर्द होता है फिर भी ये टीपॉट पैसे देता है, और ये बात वो जॉन को बताती है। तो वो दोनों ऐसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ दूसरे लोगों को दर्द होता है, जैसे कि फाइट क्लब, और इसी तरह से वापस बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। एक दिन वो दोनों कार से जाते वक्त झगड़ा कर रहे होते हैं और एलिस को जॉन की बातें सुनकर बहुत ही दुख होता है और वो कार से उतर जाती है, और तभी देखती है कि टीपॉट वापस उन्हें पैसे दे रहा है। तो एलिस यहाँ समझ जाती है कि अगर किसी को मेंटली पेन भी होता है फिर भी ये टीपॉट पैसे देता है। तो दोनों एक दूसरे को मेंटली पेन देना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को अपने सीक्रेट्स बताते हैं। एलिस जॉन को बताती है कि वो शादी से पहले एरिक के साथ इंटीमेट हो चुकी है। ये सुनकर जॉन को बहुत ही दुख होता है और पॉट से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने फ्रेंड्स के बीच में झगड़ा लगाकर उन्हें दुख पहुंचाते हैं और वापस बहुत सारा पैसा कमाते हैं, और एलिस का मन इससे भी नहीं भरा था, वो और पैसा कमाना चाहती थी। तो जॉन उसे कहता है कि अब बस हो गया। तो एलिस कहती है कि हम किसी बुरे आदमी को मार देते हैं जिसे हमें एक ही बार में बहुत सारे मिलियन डॉलर्स मिल जाएंगे, और उसके बाद हम इस टीपॉट का यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए वो दोनों एक कब्र खोदने के लिए जाते हैं जहाँ पर वो लाश का ठिकाना लगा सके, पर जॉन को यह सब ठीक नहीं लग रहा था। जॉन ये समझ चुका था कि एलिस बहुत ही बदल चुकी है और वो बहुत बुरी बनने लगी है। तो मदद मांगने के लिए वापस डॉक्टर ली के पास जाता है और उनसे कहता है कि एलिस को किसी तरह से रोकना होगा, पर डॉक्टर ली कहते हैं कि एलिस को सिर्फ तुम ही रोक सकते हो, मैं इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता, कि जब ये टीपॉट का मालिक खुद मुझे इसे वापस देगा तभी ये सब खत्म होगा। तो रात को जॉन एलिस से कहता है कि अगर तुम इस टीपॉट को नहीं छोड़ोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये सुनकर एलिस इमोशनल हो जाती है और जॉन से प्रॉमिस करती है कि ठीक है मैं इस टीपॉट को छोड़ दूंगी, और उसी रात उनका लैंड ओनर एरी उस टीपॉट को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तो एरी कहती है कि अच्छा हुआ वैसे भी हमें ये टीपॉट छोड़ना ही था। तो जॉन कहता है नहीं हमें इसे डॉक्टर ली को वापस देना है। तो दोनों टीपॉट वापस लेने के लिए एरी के घर पर चले जाते हैं। जैसे वो एरी के घर के अंदर जाते हैं एरी गन लेकर आ जाता है। एरी की हालत देखकर हमें पता चलता है कि उसने भी खुद को दर्द देकर बहुत सारा पैसा कमा लिया है। अब एरी और उसकी वाइफ दोनों भी गन से जॉन और एलिस को मारने वाले थे, तभी ट्विन ब्रदर्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो ट्विन ब्रदर्स एरी से वो टीपॉट मांगते हैं। तो एरी वो टीपॉट देने से मना कर देता है। तो ट्विन ब्रदर्स एरी के ऊपर गोलियां चलाते हैं और एरी की वाइफ भी उन ट्विन ब्रदर्स पर गोलियां चलाती है, और वो चारों एक दूसरे के ऊपर गन फायरिंग करने लगते हैं। ये देखकर एलिस और जॉन एक सोफे के पीछे छुप जाते हैं। कुछ देर बाद गोलियों की आवाज़ आना बंद हो जाती है और वो उठकर देखते हैं तो चारों लोग मर चुके थे। तो एलिस और जॉन वो टीपॉट और वो सारे पैसे लेकर घर के बाहर आते हैं। जैसे वो घर के बाहर आते हैं डॉक्टर ली भी वही आ चुके थे। तो एलिस वो टीपॉट डॉक्टर ली को वापस दे देती है और डॉक्टर ली उस टीपॉट को दुनिया से छुपाने के लिए एक समुंदर में डाल देते हैं, और एलिस अपने सारे पैसे अपने दोस्त लुइस को दे देती है जिसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। और दोस्तों यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी ये नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी और मूवी एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाता रहूँगा।